जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अपराधी सावधान योगी ऑन ड्यूटी। दरअसल सरकार का दावा है कि यूपी अपराध मुक्त होने की दिशा में चल पड़ा है। यूपी की पुलिस अपराधियों को उन्हीं की भाषा में समझा रही है। यूपी में लगातार एनकाउंटरों का एक सिलसिला चल पड़ा है। ऐसे में प्रदेश की जनता को क्या लग रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है? अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार यूपी कोका कानून भी ला रही है। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि अपराधियों को सावधान होने की जरूरत है क्योंकि उनकी शामत आ गई है? जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो एक ऐलान किया। वो ऐलान था यूपी को अपराध मुक्त बनाने का। इसके लिए सरकार ने पुलिस को छूट दी और नतीजा क्या हुआ ये हम सब देख रहे हैं। ये कानून का ही डंडा था जो अपराधियों को खौफ खाने पर मजबूर कर रहा था, अपराधियों को डर से सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय करने क्या होना है। ये योगी का हठ योग है। जहां हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, जहां पर सरयाम अपहरण हो जाता था, जहां पर सरयाम अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल रहा था, जहां पर किसी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, जहां पर कोई व्यापारी कभी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, उस राज्य में तो कुछ तो मुझे मानक तय करने होंगे। ये योगी का कमिटमेंट है। किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या किसी ऐसे सिंडिकेट के निमित्त हिंसा का प्रयोग करके या हिंसा, अवित्रास, दबाव की धमकी या उत्कोष, प्रलोभन या लालच के साधन द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या दे आर्थिक प्राप्ति या स्वयं के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए अन्य लाभ या बगावत को बढ़ावा देने के लिए अन्य अवैध साधनों से किसी अवैध क्रियाकलाप को जारी रखना, आतंक फैलाना, बलपूर्वक या हिंसा द्वारा सरकार को खाड़ फेंकने के लिए विस्फोटकों या अग्नि या आग्नेय अस्त्र या अन्य हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके जीवन या संपत्ति को नष्ट करना, या राष्ट्र विरोधी या विध्वंसात्मक गतिविधियों में लिप्त होना, या सरकार या अन्य लोक प्राधिकार को मृत्यु या बर्बादी की धमकी देकर फिरौती के लिए बाध्य करना। अगर इन सभी घटनाओं को ये लोग जायज मानते हैं, अपने संस्कारों के रूप में लोग मानेंगे भी, लेकिन कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार और लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार के कृत्यों को जायज नहीं मान सकती है। ये योगी का संकल्प है। सावधान, आप यूपी में हैं, यहां योगी ऑन ड्यूटी है। ये योगी की कर्म भूमि है, ये योगी का कार्यक्षेत्र है। अपराधी थर थर कांप रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, जानते हैं, क्योंकि यूपी का योगी, यूपी का सीएम हठ योग कर रहा है।
हथियों अपराधियों के सफाए का, हथियों यूपी को अपराध मुक्त बनाने का, गेरुआ वस्त्रधारी सामान्य कद का योगी अपने हठ योग से ये साबित कर रहा है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मन संकल्पित हो, तो पहाड़ तोड़े जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाया जा सकता है। जो उत्तर प्रदेश कभी अपराध के कारण सुर्खियों में रहता था, वो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होने की दिशा में बढ़ते हुए चर्चा के केंद्र में हो सकता है। कानून व्यवस्था में बदलाव आया, जिस तरीके से योगी जी ने बोला है कि या तो सिलेंडर करो या फिर सीधा गोली खाओगे, इससे बदलाव जरूर आया है कानून व्यवस्था में। और जिस तरीके से बदमाश आजकल खुद सिलेंडर करने पहुंच जा रहे हैं थाने में, तो बदलाव आएगा, जाहिर सी बात है बदलाव आएगा। ये योगी का कमिटमेंट ही था जो यूपी अपराध मुक्ति के नारे के साथ चल निकला। सरकार बनने के चंद दिनों बाद शुरू हुआ मामला अब भी निरंतर जारी है। दिन हो या रात, यूपी पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूटी है। एनकाउंटर में कभी बदमाश ढेर हो रहे हैं तो कभी घायल, कभी एनकाउंटर के डर से सरेंडर किया जा रहा है तो कभी राजीनामा भरा जा रहा है कि यूपी में रहेंगे और आम आदमी की जिंदगी मेहनत मजदूरी की जिंदगी बिताएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बदमाशों की जगह या तो जिला जेल होगी या बदमाश अब पुलिस की गोली का निशाना बनेंगे, और इसी की वानगी एक बार फिर जिला गाजियाबाद में देखने को मिली है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच निरंतर एनकाउंटर हो रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ एनकाउंटर्स पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस के आला अधिकारी ये साफ कर रहे हैं कि सभी एनकाउंटर पूरी तरीके से सही है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ यूपी के मुखिया के आदेश के बाद जो हल्ला बोल हुआ, उसकी निशानी पूरा देश देख रहा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हथियों के आगे अपराधी हार मान रहे हैं, उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। पूरे यूपी को अपराध मुक्त करने की हवा बह रही है। अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निरंतर जो ऑपरेशन अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, अपराधियों को रास्ते पर लाने के जो काम किए जा रहे हैं, वो ये बताते हैं कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश को अमली जामा पहनाया जा रहा है। यूपी पुलिस अपने फुल फॉर्म में दिख रही है, अपराधियों को ढेर कर रही है और उन्हें उन्हीं के मैदान पर चित करने का काम कर रही है। ऐसे में योगी के हठ योग के आगे अपराधियों के हौसले पस्त हैं और यूपी के दिन बदलते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। योगी सरकार ने सख्ती बरती तो यूपी पुलिस की खामोश बंदूकें गोलियां उगलने लगी। गोलियां कुछ ऐसी निकली कि अपराधी पाताल लोक में छिपने को मजबूर हो गए। जिन्होंने पुलिस से टकराने की हिम्मत की, उसे पुलिस ने सही जगह पहुंचा दिया। लेकिन राजनीतिक दलों ने लगातार हो रहे एनकाउंटर पर कुछ सवाल भी खड़े किए। जनता कहीं संतुष्ट दिखी तो कहीं नाखुश। लेकिन सवाल है कि योगी का यूपी अपराध मुक्त हो सकता है? योगी राज में अपराधियों पर कह, अपराध करने वाले अंजाम से डर रहे हैं। ठोके जाने के डर से सरेंडर कर रहे हैं अपराध।
कोई करवा रहा है जमानत रद्द, तो कोई जेल से बाहर आने को तैयार नहीं। जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभाली तो अपराधियों को ये पैगाम दिया कि या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश। जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की बात का संज्ञान लिया उन्होंने तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, लेकिन जिन्होंने योगी के कमिटमेंट को हल्के लिया उन्हें अब मालूम चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के उस बयान का मतलब क्या था। यूपी में लगातार पुलिस अपराधियों के बड़े मनोबल को कुचलने के लिए एनकाउंटर कर रही है, उन्हें उनके असली जगह पहुंचा रही है। जो बात से मान जा रहे हैं वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो कानून के इकबाल के लिए चुनौती बन रहे हैं उन्हें पुलिस उन्हीं की भाषा में समझा रही है। मोदी सरकार में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन क्लीन में कहीं ना कहीं बदमाशों में खौफ नजर आ रहा है। जिस तरह से वारदात के बाद तुरंत बदमाशों की धरपकड़ जारी है और एनकाउंटर में उनको निशाना बनाया जा रहा है, वहीं आम जनता और व्यापारी वर्ग भी इससे काफी खुश नजर आ रहा है। जिस तरह से पिछले सरकारों में महिला अपने आप को घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, वहां अपने आप को कहीं ना कहीं अब इस सरकार में सुरक्षित महसूस भी कर रही हैं। अगर बदमाशों की खौफ की बात करी जाए तो जेलों में बंद खूंखार बदमाश कहीं ना कहीं खौफ में वो भी हैं, उन्होंने भी अपनी जमानतों को वापस ले लिया है। यूपी पुलिस अपराधियों को ठोक रही है और बता रही है कि सुधरो वरना सुधार दिए जाओगे। कोई थाने हाथ में तख्ती लेकर पहुंच रहा है कि वो आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा, कानून से खिलवाड़ नहीं करेगा। कोई हाथ जोड़कर कह रहा है कि सरेंडर करूंगा, एनकाउंटर से डर लगता है। उत्तर प्रदेश के सामने में खौफ में जी रहे लोग आज जिंदगी को बेखौफ होकर जी रहे हैं और यह सब संभव कर दिखाया है शामली के पूर्व एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शामली की उस कराना की जहाँ बदमाशों के खौफ से लोग पलायन कर चुके थे। यूपी के इस शहर में रंगदारी लूट हत्या और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का पुलिस ने सफाया कर दिया है, जिसके चलते एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने 60 मुठभेड़ के दौरान 6 इनामी बदमाशों को मार गिराया। मारे गए बदमाश साबिर, डैनी, इकराम, राजू, अफसर और अकबर इनामी बदमाश थे, जिन पर यूपी में ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में भी मुकदमे दर्ज थे। वहीं पुलिस के डर से लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने सरेंडर भी किया। वहीं आज जनपद के लोग बेखौफ होकर जिंदगी जी रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था का ही खौफ है कि अपराधी खौफ खा रहे हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि आने वाले वक्त में कानून का इकबाल पूरे प्रदेश में कायम हो सकता है। एक साल में प्रदेश में पुलिस और अपराधियों के बीच 1339 मुठभेड़ें हुई, 1999 इनामी बदमाश समेत 3140 बदमाशों को जेल भेजा गया। योगी राज में अब तक 44 बदमाश ढेर किए जा चुके हैं। 188 के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 175 अपराधियों की 147 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। पिछले 10 महीने में 5409 अपराधियों ने बाकायदा अदालतों से अपनी जमानतें रद्द कराई। एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, वहीं करीब 292 पुलिसकर्मी घायल हुए। अपराध को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार की खुली छूट से पुलिस महकमे का मनोबल ऊंचा है। लगातार पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। पहला तो पुलिस तभी फायर करती है जब
अगर वो अपराधी आत्मसमर्पण नहीं करता है, उसको वारन किया जाता है या जानबूझकर वो पुलिस पे फायरिंग करा है, तब पुलिस जवाब में पुलिस आत्मरक्षार्थ भी गोली चलाती है। तो हमारा पहला उद्देश्य तो यही है कि हम उसको पकड़ लें, और अगर उसके बावजूद भी और चेतावनी देने के बावजूद भी अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करता है तब पुलिस आत्मरक्षार्थ फायर करती है। वही जोन के हिसाब से बात की जाए तो मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। अपराधियों के होश सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठिकाने लगाए जा रहे हैं। यहाँ पुलिस का मानना है कि ये सारे कदम राज्य में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। जब से नई सरकार आई है तब से अब तक 573 पुलिस क्रैकडाउन हुआ है, और जिसमें लगभग 1185 लोग गिरफ्तार किए गए। 1185 लोगों में से 494 ऐसे हैं जिन पे कि पुरस्कार घोषित था। इसके अलावा 747 लोग ऐसे हैं जो कि सरेंडर किए कोर्ट में। इसके अलावा 234 ऐसे बदमाश हैं जो घायल हुए हैं, और 163 पुलिसकर्मी भी इस दौरान क्रैकडाउन में और मुठभेड़ में घायल हुए हैं, और हमारा एक जवान भी शहीद हुआ है। और इसके अलावा मेरठ जोन में 36 अपराधी हैं जो कि इस दौरान मारे गए। विपक्ष का सवाल ये है कि अचानक यूपी में एनकाउंटर की झड़ी क्यों लग गई है? क्या यूपी में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है? क्या यूपी में अपराधी इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि अचानक पूरे समाज के लिए खतरा बन गए हैं? क्या यूपी की पुलिस इन 11 महीनों में इस कदर बेबस हो गई है कि क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फिर सरकार ने सबसे आसान रास्ता चुना है कि क्राइम खत्म करना है तो क्रिमिनल को ही खत्म कर दिया जाए? कोई अपराधी है उसका इनकाउंटर हो रहा ठीक है, लेकिन किसी को अपराधी बना के इनकाउंटर कर देना, ये कौन से कानून में लिखा है? कौन सा कानून व्यवस्था ठीक हो रही है? मैं कह सकता हूं कि इनकाउंटरों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन सवालों का जवाब क्या होगा। मैं कह सकता हूं जिस अपराधी का आपराधिक इतिहास है उसका इनकाउंटर हो रहा ठीक है, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जब कभी समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी उन सभी फर्जी इनकाउंटरों की जांच करके जो भी अधिकारी पुलिस वाले शामिल हैं उनको जेल जरूर भेजेंगे। जाहिर है सत्ता और विपक्ष के पास अपने अपने कारण हैं, लेकिन जमीन की सच्चाई जाननी जरूरी है। क्या यूपी की जनता ये मानती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहा है, या फिर अपराध कम करने के जो दावे हो रहे हैं वो महज कोरी बातें हैं? क्योंकि कई ऐसे एनकाउंटर भी हुए हैं जो फर्जी होने का तमगा लिए यूपी पुलिस के सीने पर चस्पा है। जब से पुलिस ने एनकाउंटर शुरू करे हैं, जब से काफी बदलाव आया है, और बदमाश एनकाउंटर के डर से अपने आप सरेंडर कर रहे हैं, गुंडागर्दी कम हो रही है। अगर पुलिस ऐसे इनकाउंटर करते रहे तो गुंडागर्दी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो सही आदमियों के हो रहे हैं, बदमाशों के हो ही नहीं रहे। रात में क्या यूटर रहा था, कहीं माठे में खड़ा गोली ना मार दे बदमाश। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी टाइम चले जाओ सड़क पर, किसी टाइम चले जाओ। अपने आप को योगी जी की सरकार बनी है, जब से अपने आप को सुरक्षित समझती है, आने जाने में कोई भय नहीं करती है। ये तो बहुत अच्छा निर्णय लिया योगी सरकार ने। आज शांति से लोग बैठे तो है मार्केट में, कहीं झंडा झपटी हो रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, किसी के कुछ हो रहा था। आजकल बदमाशों का खात्मा होता जा रहा, व्यापारी को सहूलियत मिलती जा रही। आज कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है, बल्कि ये कहा जाए कि अब तो जो है कोई दया का माहौल है ही नहीं। अगर दया का माहौल किसी में है तो सिर्फ अपराधियों में है, क्योंकि पिछले काफी एक साल के दौरान पुलिस ने बहुत अच्छा कर दिया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन क्या सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी? सवाल यही है, क्योंकि बात 2007 की है, तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी के सांसद थे और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तभी एक रोज
योगी आदित्यनाथ अचानक लोकसभा में बोलते बोलते रो पड़े थे, फिर रोते रोते उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि यूपी सरकार जानबूझकर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कर रही है, इसलिए उन्हें संरक्षण दिलाया जाए। अब 11 साल बाद उसी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनके राज में अब यूपी के अपराधी उनसे और उनकी पुलिस से संरक्षण मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। यूपी को अपराध मुक्त करने का रोड मैप योगी सरकार ने तैयार किया तो उसमें यूपी कोका को एक जरूरी स्थान दिया गया। लेकिन ये यूपी कोका है क्या, किन अपराधियों पर लागू होगा, ये कानून काम कैसे करेगा, इसमें सजा कैसी होगी, ये सबसे बड़े सवाल हैं जिन्हें सभी जानना चाहते हैं। तो यूपी कोका को समझने के लिए ये हमारी रिपोर्ट काफी है। हमारी ये रिपोर्ट आपके हर सवाल का जवाब है। यूपी कोका के हर बारीकियों को समझाने वाली इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में यूपी में अपराधियों का क्या हाल होने जा रहा है। यूपी में यूपी कोका से थमेगा अपराध, अपराधियों पर नकेल कसेगा यूपी कोका। आखिर क्या है यूपी कोका? भारी हंगामे के बीच 27 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी कोका बिल पास हो गया। यूपी विधानसभा में यूपी कोका बिल तब पास हुआ जब विपक्ष ने इसका पूरा बहिष्कार कर दिया। इससे पहले भी सदन ने इसे पास किया था, लेकिन विधान परिषद में बहुमत नहीं होने की वजह से यूपी कोका बिल गिर गया था। अब दूसरी बार विधानसभा में लाकर इसे फिर से पास कराया गया है और अब ये सीधे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए जाएगा। यानी जल्दी ही मकोका की तर्ज पर यूपी कोका कानून भी दिखाई देगा, जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। नियम के मुताबिक अगर विधान परिषद में कोई बिल गिर जाता है और विधानसभा उसे दोबारा पास कर देती है तो उसे फिर से विधान परिषद नहीं भेजा जाता और उसे सीधे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, जहां पास होना बाध्यता है। अब जरा समझिए कि कैसा है यूपी कोका कानून। यूपी कोका संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस को असीमित अधिकार देता है। इसके तहत जुर्म के लिए पुलिस आरोपी को 15 दिनों की रिमांड पर ही हवालात में रख सकती है। यूपी कोका के सेक्शन 28(3)(a) के अंतर्गत बिना जुर्म साबित हुए भी पुलिस किसी आरोपी को 60 दिनों तक हवालात में रख सकती है। आईपीसी की धारा के तहत गिरफ्तारी के 60 से 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। उधर यूपी कोका में 180 दिनों तक बिना चार्जशीट दाखिल किए आरोपी को जेल में रखा जा सकेगा। इस नए कानून में जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए भी बेहद सख्त है। सेक्शन 33(c) के तहत किसी जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही यूपी कोका के आरोपी साथी कैदियों से मिल सकते हैं, वो भी हफ्ते में 1 से 2 बार। यूपी कोका की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट होगा। उम्र कैद से लेकर मौत की सजा का भी प्रावधान है। साथ ही मुजरिम पर 5 से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। किस किस जुर्म के तहत यूपी कोका के दायरे में आएंगे अपराध? सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा करना, आतंक फैलाना या बलपूर्वक हिंसा को अंजाम देना, हिंसा करके सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, सरकारी अधिकारी को जान से मारने या बर्बाद करने की धमकी देना, फिरौती सरकारी ठेका हथियाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना, निजी या सरकारी जमीन पर कब्जा करना, बाजारों व्यापारियों से अवैध वसूली को अंजाम देना, अवैध खनन, वन उपज का अवैध दोहन करना, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव व्यापार करना, नकली दवा, अवैध शराब बेचना,
ऐसे अपराधों से किसी की मौत होने पर आरोपी को उम्र कैद या मृत्यु दंड मिलेगा। संगठित अपराध करने वालों को शरण देने पर उम्र कैद से 7 साल तक की सजा है, 15 लाख का जुर्माना है। संगठित अपराध करने वाले की संपत्ति रखने वाले को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यूपी कोका के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इस कानून के आने से अंडरवर्ल्ड, जबरन वसूली, जबरन कब्जे, वेश्यावृत्ति, अपहरण, फिरौती, धमकी और तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर लगाम लगेगी। दरअसल यूपी कोका कानून महाराष्ट्र के मकोका कानून जैसा होगा। मकोका को 1999 में महाराष्ट्र की सरकार ने बनाया था। इसके पीछे मकसद मुंबई जैसे शहर में अंडरवर्ल्ड के आतंक से निपटना था। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ही इस कानून को बनाया गया था। ऐसे में यूपी में भी ऐसे कानून को लाकर ये साफ संदेश देने की कोशिश है कि अपराध को लेकर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना हो सरकार को ये भी सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। सरकार काम कर रही है, सीएम योगी चुस्त हैं, वो लगातार अपराधियों से निपटने की बात कहते रहते हैं, लेकिन कई घटनाओं ने पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए, तो यूपी कोका को लेकर डर भी पैदा किया। ऐसे में उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका दुरुपयोग ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।